हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार भाई। प्यारे दोस्तों, मैं रोशनी आपका चार भाई में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजन 2018 को टारगेट करते हुए जिसका एग्जाम जून 2019 में जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज मेरा डेट 23 है और इस 12वें सीजन को पार करके सिलेक्शन लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश उस अर्थव्यवस्था के सब महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन उद्योगपति, सेकंड ऑप्शन नागरिक, थर्ड ऑप्शन सरकार, फोर्थ ऑप्शन न्यायपालिका। इसका हमारा सही आंसर होगा सरकार। क्वेश्चन नंबर 27, देश कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हो जाती है तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त करने वाला अतिरिक्त आगत जैसे आगत की सीमांत उत्पादक में गिरावट आने लगेगी। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम, सेकंड ऑप्शन परिवर्ती अनुपातीय नियम, थर्ड ऑप्शन अल्पकाल और फोर्थ ऑप्शन दीर्घकाल। इसका सही आंसर हमारा होगा ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम। क्वेश्चन नंबर 28, देश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। मौलिक अधिकार, सेकंड ऑप्शन रेत संबंधी क्षेत्राधिकार, थर्ड ऑप्शन अपीलीय अधिकार, फोर्थ ऑप्शन सलाह संबंधी अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन अपीलीय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई? ये हम इसका सही आंसर होगा 15वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें हाई कोर्ट के न्यायालयों की 60 से 62 जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों की 65 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 30, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में देश उगाने के लिए मजबूर करते थे। फर्स्ट है जूट, सेकेंड ऑप्शन हमारे चाय, थर्ड ऑप्शन गन्ना, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइस चावल। इसका सही आंसर होगा राइस चावल। कहां पर? मद्रास में राइस का है, असम में चाय का होगा, बंगाल में जूट का और कपास होगा हमारा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31, दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? फर्स्ट अवध, सेकंड कश्मीर, थर्ड सिंधु, फोर्थ बंगाल। इसका हमारा सही आंसर होगा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन म्यांमार, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ पाकिस्तान। तो इसका उत्तर पश्चिम में हमारे भारत किस देश की सीमा लगी? पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को देश के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है पंजाब हिमालय, सेकंड ऑप्शन नेपाल हिमालय, थर्ड ऑप्शन कुमाऊं हिमालय और आसाम। इसका सही आंसर क्या होगा? कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 34, आलू मटर और बैंगन तीन विभिन्न वर्ग स्पीसीज है परंतु वे किस वंश के जीन्स के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सोलेमान, सेकेंड पेंथ्रा, थर्ड फेलिस और टिग्रिस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा सोलेनम। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को देश कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन मेटाजाइलम, सेकंड ऑप्शन प्रोटोजाइलम, थर्ड ऑप्शन जाइलम टंकु, फोर्थ ऑप्शन जाइलम पैराकाइंडा। इसका सही आंसर होगा प्रोटोजाइलम। क्वेश्चन नंबर 36, नीरस प्रेटिमा केंचुआ तथा हीरोडेनेरिया रक्त सूचक जो किस संघ के उदाहरण है? फर्स्ट है सिलेंट्रा, सेकंड है एसकलमिनिथिस, थर्ड है एनेलिडा, फोर्थ है आर्थोपेडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा सी एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 37, मानव कुओं में ध्वनि दैस द्वारा उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन गुटकी, सेकंड ऑप्शन कंध, थर्ड ऑप्शन मज्जा, फोर्थ ऑप्शन कंठ छद। इसका हमारा सही आंसर तंत्र के द्वारा मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 38,
पुरुषों में वाकतंतु लगभग डैश लंबे होते हैं, फर्स्ट 10 mm, सेकंड 20 mm, थर्ड 30 mm, फोर्थ हमारा 40 mm। इसका सही आंसर क्या होगा, लगभग हमारे 20 mm। पुरुषों में हमारी जो होती है वाकतंतु होती है 17 से 25 mm होती है, और महिलाओं में 12 से 17 mm के वाकतंतु होते हैं। वाकतंतु है कि वाकतंतु उत्तक होते हैं और यह कंध तथा तक फैले होते हैं, और फैले होते हुए तंतुओं के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 39, डैश द्वारा इंडेसिस योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है और जो बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन जावास्क्रिप्ट, सेकंड ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड ऑप्शन SQL, फोर्थ ऑप्शन स्ट्रिंग। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमारा बर्नर्स ली के द्वारा 1988 में इसका आविष्कार किया गया था। 1989 में क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लोक्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कॉपर, सेकंड एल्युमिनियम, थर्ड लवण, फोर्थ लोहा। विद्युत चालन किसके द्वारा होते हैं दोस्तों, ये होते हैं लवण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, दूध मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है। फर्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन अमोनिया हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MG। क्वेश्चन नंबर 42, यह प्रक्रिया है कि जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया, क्या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वनों की कटाई फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पुनर्वनीकरण, थर्ड ऑप्शन ग्रीन हाउस, फोर्थ ऑप्शन झूम खेती। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य घरों और समुदाय में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है। फर्स्ट ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान, सेकंड ऑप्शन ग्राम उदय से बात उदय अभियान, सेकंड थर्ड ऑप्शन स्टैंड अप इंडिया स्कीम, फोर्थ ऑप्शन नेशनल RU अर्बन स्कीम मिशन। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत यह समूह घरों में शौचालय का निर्माण करने का, जिसका टारगेट हमारा 2019 तक भारत में खुले शौच से मुक्त करने का, कब तक है 2019 हमारा। सोडियम की खोज किसने की थी, फर्स्ट है हम्फ्री डेवी, सेकंड है विलियम हेनरी फॉक्स, थर्ड ऑप्शन जेके थॉमसन, फोर्थ ऑप्शन कार्ल बेंज। तो दोस्तों सोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी 1807 में हम्फ्री डेवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, 2016 में कबड्डी विश्व कप के पुरुष के उप विजेता कौन था। फर्स्ट ऑप्शन थाईलैंड, सेकंड ईरान, थर्ड ऑप्शन अर्जेंटीना, फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान। तो उप विजेता था हमारे ईरान और विजेता था भारत। इसमें पुरुष उप विजेता पूछा, इसमें कौन था ईरान, जबकि विजेता कौन था इसमें भारत। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन 15वीं, सेकंड ऑप्शन 16वीं, थर्ड ऑप्शन 17वीं, फोर्थ ऑप्शन 18वीं सदी में। तो जामा मस्जिद जो बनाई गई थी 1644 से 1656 के मध्य बनाई गई थी, अर्थात ये 17वीं सदी में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने मैन बुकर पुरस्कार 2016 जीता। फर्स्ट द सेल आउट, सेकेंड है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किंग्स, थर्ड है द नैरो रोड टू द डीप नोट, फोर्थ द लुमिनरी। इसका सही आंसर द सेल आउट, जो हमारा पोल बेटी के द्वारा लिखी गई थी। इस पोल बेटी को अमरीकी लेखक है जो जिनको मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अमरीकी भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में सही है। फर्स्ट हमारा
उपन्यास किलिट के लेखक डॉन विंसलो है। सेकंड है उपन्यास वुल्फ ऑफ लेखक के स्टीफन डेमिंस है। थर्ड ऑप्शन है हमारा उपन्यास टू की लोग मर्किन के लेखक हार्पर ली है। इसमें हमारा थर्ड ओनली थ्री सही है, जो इसमें ऑप्शन में दिए नहीं गए थे, इसलिए हमारा क्वेश्चन एग्जाम में काट दिया गया था, इसलिए क्योंकि इसका आंसर ओनली थ्री है। क्वेश्चन नंबर 49। 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम की श्रेणी में श्रेणी क्या थी? फर्स्ट है 4, सेकेंड है 16, थर्ड है 64, फोर्थ है 256। इसमें जो किसकी पूछी गई, यूके की पूछी, यूके की श्रेणी थी, यूके का हमारे 16 थी, जब जहाँ पे इंडिया इंडिया था हमारा 131 और अपने नेबर कंट्री श्रीलंका किया था 73। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रियों के अप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किया जाता है जो भारत और पाकिस्तान के थोर एक्सप्रेस यात्रा करते हैं? फर्स्ट है जलाल मेरी, सेकंड है शून्य बिंदु, थर्ड है लाल पीर, फोर्थ है गुजरी महल। इसका हमारा सही आंसर है शून्य पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो का हमारा एक ही टारगेट है, हमारे जीके में 50 में 50 मार्क्स लेके आना। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट्स में नीचे लिखिए कि आपके इस वीडियो में कितने क्वेश्चन ठीक थे। और प्यारे दोस्तों अगर आप इस चैनल नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना भी साथ साथ ना भूले। मेरा चैनल साहिब सार पाई क्यू विद रोहित सिंह, आप मैं रोहित सिंह, आप मेरा जी मेल आईडी हमारे सार पाई क्यू डॉट एडू एट जी मेल डॉट कॉम। फेसबुक पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जिसका आप मेरे को रोहित सिंह रावल के नाम से फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दूंगा और ट्विटर का लिंक भी दूंगा, जिस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे वीडियो को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।